हम बात कर रहे हैं क्यूपिट लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो क्यूपिट में फ़िलहाल हमको 1% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 90 रुपीज़ पॉइंट 19 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आपको याद होगा स्टॉक हमने कहा था कि लगातार गिरावट दिखा सकता है, 90 के अपने सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। स्टॉक ने ब्रेक डाउन करता नज़र आया है। सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में एक जंप देखने के लिए मिला। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम कैंडल पैटर्न को तो समझ में आएगा। ब्रेक डाउन कर चुका है, हमने 88 तक का फॉल डिस्कस किया था, 89 की लेवल से एक जंप आया। जंप आने के बाद स्टॉक ने रिजेक्शन कहाँ लिया, 90 के आसपास जो इसका रेजिस्टेंस बनने वाला था, जिस सपोर्ट को स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर चुका था वहीं से स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाता नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर चार्ट पैटर्न देखें तो गिरावट आई थी, जंप लिया था स्टॉक ने, रिजेक्शन लिया, अगेन जंप आया था। इस बाउंस बैक के साथ इस हाई को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट था। क्या स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, नहीं किया, अगेन रिजेक्शन लेकर अपना लो ब्रेक डाउन करता नज़र आया है और लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से क्यूपिट और गिरावट दिखा सकता है, 88 का जो सपोर्ट है उसको भी नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता नज़र आ सकता है, लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो इसी कंडीशन में फिर नीचे की ओर नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 84 का लेवल, और इस गिरावट के साथ फिर 80 तक का भी फॉल क्यूपिट दिखा सकता है, यहाँ तक की भी गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है। अगर स्टॉक बाउंस बैक होता है 88 या 90 के आसपास से ही, तो जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन लिया था ये जो इसका है 96 का लेवल, एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 से 3 दिन सस्टेन होना पड़ेगा। कौन से लेवल के ऊपर, कहाँ से रिजेक्शन लिया था, 96 का लेवल, एटलीस्ट इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा और सस्टेन होना पड़ेगा, क्योंकि हमको अब तक जो चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिला है तो लो और लो देखने के लिए मिला है। जंप पर स्टॉक ने कभी भी अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है, रिजेक्शन के साथ अपना लो ब्रेक डाउन करते नज़र आ रहा है, इसीलिए बाउंस बैक करता है तो जंप पर इस हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आना चाहिए। तो वैसी कंडीशन में फिर क्यूपिट यहाँ से तेज़ी दिखा सकता है, इसका खेल पलट सकता है। फिलहाल स्टॉक गिरावट में है तो थोड़ा सा सावधान रहना ही ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।